أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات सूरा बकरा की कुछ आयात मैंने तिलावत की हैं। इनका तर्जमा और तफसीर जो है मुख्तसर आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। सारी दानश, सारी हिकमत और दानाई की जड़ अपनी हैसियत का तायुन है। सबसे बड़ा मसला जिससे आदमी बेखबर रह जाए तो उसके पल्ले इल्म और अकल नाम की कोई शय नहीं कि वो अपने बारे में ये फैसला करे सही और दुरुस्त कि वो क्या है, इस दुनिया में अपने आप को क्या समझ कर बोले। अपनी हैसियत का तयन, जिसको कहते हैं अपने आप को पहचानना, ये नंबर अवर बात है। अपने पहचानने में गलतियों से सारी दुनिया में तबाही मची है। कुछ लोगों ने अपने आप के बारे में गलत अंदाज़ा किया कि हम खुद मुख्तार हैं, हम पर कोई हाकिम नहीं है, जो जी चाहे करें। मुतकब्बर हो गए, मगरूर हो गए। कुछ ने अपने आप को पस्ती में गिरा दिया कि हमसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई दलील नहीं, हम एक ना बहुत बुरी किस्म के जानवर हैं, बस यूं ही दुनिया में आ गए, कुछ नहीं हमारी ज़िंदगी का मकसद, हम ग़ुलाम हैं, दूसरों की पूजा करेंगे, उनके सामने झुकते रहें। कुछ ऊपर उठ गए, खुद ही खुदा बन गए। कुछ गिर गए और दूसरों की गुलामी करनी शुरू कर दी, अपने आप को सही पहचान ना सके। अम्बिया अलैहिस्सलाम और किताबें जो अल्लाह ने नाजल की हैं ना, उनका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने इंसान को इसकी सही शनाख्त और पहचान कराई। इसमें गलती हो जाए तो आप यकीन जाने सारा महल जो है तहजीब व तमदन का वो टेढ़ा हो जाएगा। पहली ईंट ही गलत है, आसमान तक ले जाएँ, सब खराबी खराबी। ये मसला हल होना चाहिए कि आप क्या हैं और क्या समझ कर अपने आप को इस दुनिया में रहें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम हकीम साहब, बड़ी तारीफ उनकी करी, यकीन जाने कि वो उस भट्टी में डाला गया जिसमें डाले जाने के बाद लोग जल गए, मगर वो इब्राहिम अलैह सलाम की तरह अल्लाह की मदर नुसरत से बच कर आ गया। इसीलिए कहते हैं ना, फरेब दानश हाजिर से बाखबर हूँ मैं, कि मैं इसे आग में डाला गया हूँ मिसले खलील, मुझे भी इस आग में डाल दिया गया था, काफिर हो जाता वह, मगर कहते हैं मैं रात के वक्त तहज्जुद नहीं छोड़ता था, उस वक्त भी रोता था अल्लाह के सामने, माँ बाप की तरबियत का असर था, और इसके नतीजा में अल्लाह ने मुझे गुमराह नहीं होने दिया। तो उस मर्द खुदा ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में चार बातें इंसान के बारे में जो इनको बहुत नुमाया किया कि कुरान चार पहचाने आपकी कराता है। पहली पहचान है या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ, तुम फकीर। अगर अपने बारे में सोचो ना, अपनी तारीख देखो, तो कुछ मदद पहले तुम है थे ही नहीं। जब थे ही नहीं तो हमारे पास हम इतने बड़े फकीर थे कि ये जो जिंदा फकीर हैं इनके पास फिर भी कुछ है, उनका जिस्म या हाथ पाँव है, कोई मकान होगा, मगर हम तो नेस्त थे अदम, हमसे बड़ा कंगार और मुफरिस कौन होगा जिनके पास हस्ती नहीं, थे ही नहीं, नथिंग थे। उस वक्त हमारे पास ना इलम, ना अकल, ना सुनना, ना देखना, ना जिस्म, ना कुछ। जो चीज़ होती नहीं, इससे बड़ी कोई गाली है कि वो है ही लाश है, हम कह रहे वो क्या, कुछ भी नहीं, हालांकि होता है, मगर ये बहुत बड़ी समझते हैं डब्बे की बात है कि कुछ भी नहीं। तो इंसान ऐसा फकीर है कि सिरे से इसके पास वजूद और हस्ती नहीं, था ही नहीं, और क्या इसके पास होना। पहली बात तो फ़ख्र अपना मालूम होता है कि हम ज़ाती तौर पर तो बिल्कुल, अगर अपनी असलियत को देखें, हमारे पास अपना कुछ नहीं, हमारा होता तो पहले से ना होता, कुछ नहीं हमारे पास। ये जो है ना अपनी फ़कीरी और मोहताजी का एहसास, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो फ़क्र का दरवेशों ने जिक्र किया, वो फ़क्र ये माल या पैसे ना होने का नाम नहीं है, वो इसी फ़क्र को पहचानने का नाम है जो फ़क्र ज़ाती है, जो किसी से अलग नहीं होता। नबी किसी मरतबे तक चला जाए, फरिश्तों को अल्लाह जो चाहे ताकतें दे दें, दुनिया के इकदार के, मगर ये फ़क्र उससे अलग नहीं होता, वो हर वक्त मोहताज, उसका कुछ नहीं। अब कहाँ से मिलता है वो दूसरी बात समझ में आती फिर, कि जब कुछ नहीं थे हम और अब बहुत कुछ है, तो इससे पता चला अमानत का,
कि अल्लाह ने ये सब चीज़ें हमें खुद अता दी, हमारा हम कुछ नहीं है, ये सब उसकी देन अता। ये खुद खुद पता चल रहा कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, रहा बहुत कुछ रखते हैं हम, तो कहाँ से आया, किसी ने दिया। ये अमानत, अमीन, पहला फकीर, दूसरा अमीन। अब ये बात जब खुल गई कि हमारी कोई चीज़ नहीं है, ये सब किसी का अतिया, तो अब जाहिर बात है जिसका अतिया है उससे पूछना तो पड़ेगा कि आपकी ये अमानत है, आपने दिया और आप वापस भी ले लेते हैं कुछ मदद बाद है, तो क्यों मुझे दिया है, क्या करूं जिससे आप खुश होंगे और क्या करूं जिससे नाराज़ हो जाएंगे और बाद में मेरा क्या बनेगा। इससे फिर दो चीज़ें जाहिर होती, अगर अल्लाह ताला की दी हुई ये चीज़ें अमानतें मखलूक के मुकाबला में इस्तेमाल करें, अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से हुकूमत करें, अशिया को मुसख़र करें, मर्ज़ी के मुताबिक उनको तैयार करें, उनके से अच्छे काम ले और खल्के खुदा पर हुकूमत करें कुरान और सुन्नत के मुताबिक, अदल और इंसाफ की, वही जो कि इंसाफ कर नरमी प्यार खल्क को दुख ना दे, तो ये खिलाफत होगी। फिर तीसरा होगा खलीफा, कि अल्लाह ताला के दिए हुए जो इख्तियार है ना, पावर्स डेलीगेटेड, उनको मखलूक पर इस्तेमाल कर रहा उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, और अगर अल्लाह के सामने झुकेगा अपने फ़कीर और मोहताज होने का ऐलान करेगा कि मैं इस वहम और गुरूर में मुब्तला नहीं होता कि मेरे पास मेरी कुछ अपनी है, इसलिए मैं मुतकबर हो जाऊँ और ज़ालिम हो जाऊँ, मैं हर वक्त जानता हूँ तेरा एक आजिज़ बंदा, इस अपने अज्ज़ो नियाज का इजहार, अपनी बंदगी और परस्तिश का इजहार कि मैं गुलाम होने का करारी, ये करेगा तो अब्द होगा, फिर इसी को मकाम विलायत कह देते, अल्लाह का वली दोस्त बन जाता। चार हैं चीज़ें जो कुरान से पता चलता है कि अपने ऊपर नोट कर लो कि मैं असल में फ़कीर हूँ, जो चीज़ें हैं ये अताई हैं, अमानत हैं, और अगर अल्लाह की दी हुई ताकतें मखलूक के बारे में सही इस्तेमाल करूँ खिलाफत है, और अगर इन्हीं चीज़ों को मैं अल्लाह ताला के सामने अपनी आजी के इजहार के लिए मुख्तलिफ तरीके रस्में इख्तियार करूँ, नमाज़ें पढ़ूँ, सजदे करूँ, तवाफ़ करूँ, कुर्बानियाँ दूँ, तो ये सारी जो है ना, ये अल्लाह ताला की अब्दियत है, ग़ुलामी का इजहार है। ये चार अनासर जमा हो जाते हैं तो फिर अब्दुल्ला बन जाता है, अल्लाह का सही बंदा जो है वो, जो इसको भूल जाते हैं, चीज़ें अल्लाह की अपनी बना बैठते हैं और मर्ज़ी से उनको इस्तेमाल करते हैं, वो ना खल्के खुदा पर रहम कर सकते हैं, उनकी हुकूमतें फिरौन और नमरूद की और मौजूदा हुक्मरानों जैसी होती हैं, उनसे ना सांपों और बिच्छुओं से लोगों को डांकी लगते हैं, खल्के खुदा नाला होती है, चीखें अर्श तक जाती हैं। ठीक है, अल्लाह ताला उनको मौलत ज़ालिमों को देता है, मगर वो खल्क के लिए खैर नहीं होते, उनका वजूद बदतरीन शर होता है। और अगर वो अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ें उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें तो फिर वो हज़रत दाऊद और सुलेमान, यूसुफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ुल्क़रनैन बन जाते हैं, अबू बकर उमर बन जाते हैं, वो मरने के बाद भी उनके लिए दुआएं होती हैं और खल्क मिसाल देती है कि यार हुकूमत करे तो ऐसे ही करे, और वो हुकूमत जिसके बारे में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ठीक हम कहते हैं कि वो भी हुक्मरान थे, क्या हुक्मरानी थी उनकी, हुकूमत से है फाश ये रमज़ गरीब, ये कहते हैं अजीब राज जो है पता चला, उनकी हुकूमत से है फाश ये रमज़ गरीब, सल्तनत अहले दिल फ़क्र है शाही, वो बादशाही नहीं होती, वो तो तख्त पर बैठकर कर कि लोगों के घर अच्छे, उनके बच्चे अच्छे खाने खा रहे हैं, और खलीफे को भी फिक्र है कि ये सारे मेरे बच्चे हैं, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, मगर अपने बच्चों का हाल ये है कि बेटे के हाथ में वो खरबूजे की फांक देख लेते हैं, थोड़ी सी खरबूजे की टुकड़ा जो है ना उस बच्चे के हाथ में, उसी वक्त बीवी से पूछा कि खरबूजा कहाँ से आ गया, उन्होंने कहा आपको जो रोज़ीना मिलता है उसमें से मैंने टका टका बचाया और ये थोड़े से पैसे इकट्ठे हो गए, उससे खरबूजा खरीद लिया। अब उसी वक्त खलीफे ने लिख दिया खजाने के मुंशी को कि मेरे रोज़ीने में से इतनी कमी कर ली है, इसके बगैर भी मेरा गुजारा चलता है, ये तो ज़्यादा पैसे आते रहे। अब क्या हुकूमत है वो, ये कौन कर सकता जो अपने आप को समझता कि मेरा कुछ नहीं, ये तो सब अल्लाह का, उसने इसके बारे में एकदम पुरसिश कर, मैं खलीफा हूँ, नायब हूँ, अपने इख्तियारात उसकी मर्ज़ी के मुताबिक और उसके अहकाम को सामने रख कर करूँगा, और लोग अगर इन कानूनों की थोड़ी पाबंदी करेंगे ना तो उनको मैं शायद थोड़ी रियायत दे दूँ, मगर मैं और मेरा कुनबा सबसे बढ़कर, इसीलिए अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जब कोई बात करना चाहते थे ना कि लोगों को इस बात का कहना या इससे रोकना, तो पहले सारे घर वालों को बुला लेते थे कि ये काम छोड़ दो, कोई तुम में ऐसा करता हो, वरना अगर मैं मेंबर पर ये करूँगा कि लोगों ये काम ना करो, क्या असर होगा उन पर, जब मेरे अपने ही नहीं अमल कर रहे होंगे, नेकी है तो पहले तुम सारे करो, बुराई है सारे छोड़ो।
इसलिए खलीफातुल मुस्लिमीन दुनिया में अल्लाह ताला की रहमत बन जाता था, और उसका एक हद को नाफिज करना कि एक शरी सजा दे दी, चोर का हाथ कर दिया, जानी को कोड़े मारे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक हद जमीन में कायम हो जाए, एक सजा शरी दे दी जाए, तो 40 दिन की रहमत की बारिश से बेहतर। बारिश से क्या होगा, अक्सर नबातात उगेंगी, जानवर मोटे ताजे हो जाएंगे, मगर इस हद नाफिज होने से तो खल्के खुदा आराम से सोएंगे। दरवाजे खुले रखो, तारे लगाने की जरूरत नहीं, कोई गार्ड बनाने की जरूरत नहीं। क्या है, हर महल में लोगों ने अब देखे ना, वो बना लिए जंगले और वहाँ गार्ड बैठे हुए। ये हुकूमत है, वो हुकूमत का वजूद है, उसका नजर आता निशान कि हर महल में लोगों ने बेचारों ने बनाए हुए हैं, वहाँ अपना इंतजाम किया हो। मगर उस दौर में क्या था कि लोगों को कहा जाता यार तुम ये सारे दरवाजे खुले रखो, नुकसान हो जाएगा तो मैं दूंगा, खलीफा बनेगा उसको। इसलिए जब आदमी अपने आप को समझ लेता कि मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, सब है तेरा, तेरा तुझको देते क्या जाता मेरा, वो क्यों जालिम होगा, वो फ़र्ज की हैसियत से भी नेक होगा, माशरे के लिए भी खैर होगा, सारी दुनिया के लिए रहमत का बायस होगा। ये चार बातें उसके जहन में बैठ जाती हैं कि मैं असल में नेस्त हूँ, जो कुछ है ये सारा दिया और किसी दिन वापस हो जाएगा, और ये यूँ ही नहीं मिलेगा, मैं अपने से छोटे और जो मेरे पैद हैं उनके लिए मैं अल्लाह का खलीफा, अल्लाह के मुकाबले में मैं अब्द उसका एक बिल्कुल जलील और रुसवा बंदा हूँ। बंदगी आमद, जिंदगी आमद बराए बंदगी, बंदगी जिंदगी बे बंदगी शर्मिली। वो इतना झुकता है, माथे पर उसके दाग लग जाते हैं, जिस्म कमज़ोर हो जाता है, हर वक्त अल्लाह के सामने उसकी चाल ढाल से लोग देखते हैं, कोई मत कबराना बाज झुका हुआ रो अल्लाह के सामने।